इससे खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी प्रणव मेरे साथ अहमदाबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रणव, अहमदाबाद में बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गुजरात चुनाव की तैयारी, क्या कुछ अपडेट? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अभी स्टार्ट हो चुका है, अभी थोड़ी देर में वो एयरपोर्ट आए थे, एयरपोर्ट से उनका जो रोड शो है वो लगातार गांधीनगर कमलम जो बीजेपी की जो बड़ा दफ्तर है वहां तक रोड शो चालू रहेगा। लाखों की तादाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है और बीजेपी के जो नेतागण है वो लोग पूरे रोड शो में, हजारों की संख्या में पब्लिक वहां पर जुड़ी हुई है, मोदी की जय जयकार हो रही है और लगातार जो केसरिया है वो लगा के लोग वहां पे मोदी की जय जयकार कर रहे हैं। दो दिन गुजरात में ही रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरा शेड्यूल क्या है? क्योंकि आज जानकारी मिल रही है कि कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है, लेकिन जो मेन मिशन है वो गुजरात चुनाव पर फोकस्ड है। जी हाँ, मैं वही बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो मिशन है 2020 जो विधानसभा का जो अभी जो इलेक्शन आने वाला है उनका पूरा उद्देश्य, पीएम मोदी जी को यहाँ पे आने का मुख्य उद्देश्य वही है कि जिस प्रकार से मोदी जी का रोड शो फिनिश होने के बाद बड़े बड़े जो नेता है उनके साथ बीजेपी की एक बड़ी सी मीटिंग होने वाली है और जो रणनीति तय करने वाला है, जिस प्रकार से विधानसभा 22 का जो रणनीति है तय होगा। और दूसरी बात, जो दो दिन रुकने वाला है उनमें आज दोपहर को जो अहमदाबाद में आया हुआ डीएनडीसी ग्राउंड है वहाँ पे सबसे बड़ा किसानों का जो एक बड़ा सा जो रैली है। बिल्कुल प्रणव, और ये रोड शो कितना लंबा, कौन कौन से इलाकों से होकर ये गुजरेगा और इसके बाद फिर आगे क्या टाइमिंग है, क्या शेड्यूल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्या आम जनता को भी संबोधित करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं इस रोड शो में भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा ये रोड शो एयरपोर्ट अहमदाबाद एयरपोर्ट से स्टार्ट हुआ है और जो बीजेपी का सबसे बड़ा दफ्तर है गांधीनगर में आया हुआ कमलम वहां पे जाने वाला है। लगातार 15 से 16 किलोमीटर का लंबा तय करके ये जो रोड शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो वहां पे पहुंचेगा और हजारों की तादाद में लोग जो कार्यकर्ता है, आम पब्लिक है, यहाँ की आम जनता है, क्योंकि चार राज्यों में वो लोग बीजेपी ने जीत हासिल की है। इसके लिए प्रधानमंत्री, खास बता दूं कि प्रधानमंत्री गुजरात के एक पौत्र है और यहाँ की जो जनता है उनको बहुत सारा प्यार करती है। इसके लिए जो रोड शो में आज उनका स्वागत करने के लिए यहाँ की आम जनता और जो यहाँ के जो कार्यकर्ता है और नेतागण है वो जुड़े हुए हैं और मोदी जी का जय जयकार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रणव, क्या रणनीति है बीजेपी की इस बार गुजरात चुनाव को लेकर? तैयारियां तो हमें दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर, जो तस्वीरें हैं भयावह तस्वीरें और खूबसूरत तस्वीरें और भव्य तस्वीरें नजर आ रही हैं दो दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन रणनीति का पता नहीं चल पा रहा है कि रणनीति बीजेपी ने क्या तय की है। जी हाँ, जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से चार राज्यों ने जिस प्रकार से सबसे बड़ी वोटिंग के साथ जीत हासिल की है, इस प्रकार से गुजरात तो उनका घर है बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से मिले करते हैं और वो प्रधानमंत्री है गुजरात से, और दूसरा जो गृह मंत्री है अमित शाह जी जो चाणक्य बोले जाते हैं बीजेपी के, वो भी अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो वो पूरी आज गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन यहाँ पर रुकने वाले हैं और जो 2022 का जो इलेक्शन विधानसभा का आ रहा है उनके अंदर बीजेपी के सबसे बड़ी जीत हासिल हो और सबसे बड़ा पूरे इंडिया में नाम रोशन करे गुजरात का, इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे बीजेपी दफ्तर में बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया है और जो 22 का विधानसभा चुनाव है उनके बारे में बहुत सारे डिस्कशन यहाँ पे किए जाएंगे। चलिए ठीक है प्रणव, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। तो ये बहुत लंबा रोड शो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है, तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे, इसके अलावा बीजेपी पदाधिकारियों के साथ खास चर्चा हो सकती है। बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, हेड ऑफिस पहुंचेंगे, वहां पर एक बड़ी मीटिंग का भी यहां पर बताया जा रहा है कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 4 लाख जो यहां पर कार्यकर्ता हैं, आम जनता है, जो पदाधिकारी हैं, वो ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करते हुए नजर आएंगे। अहमदाबाद की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो रोड शो, इसके बाद आगे की रणनीति किस तरह से, जैसे 4 राज्य फतेह किए हैं, गुजरात को फतेह करना है, उसकी पूरी रणनीति यहां पर तय की जाएगी।